नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय ट्रैवल चैनल एक्सप्लोर विद तमल, और मैं हूं आपका होस्ट तमल आपके साथ। मैंने मेरा लास्ट एपिसोड में दिखाया था शिमला लोकल साइट सीइंग का वीडियो, और आज इस एपिसोड में मैं दिखाने वाला हूं शिमला टू सराहन का जर्नी का वीडियो, सराहन का भीमा काली माता मंदिर विजिट का वीडियो और सराहन टू सांगला जर्नी का वीडियो। चलिए देखते हैं मेरा आज का वीडियो। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय ट्रैवल चैनल एक्सप्लोर विद तमल, और उसके ऊपर वाला बेल बटन दबाना जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँगा उसका सीधा नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके पास। थैंक यू। सुबह सुबह हम लोग बिल्कुल रेडी है नहा धो के। आज हम लोगों का जर्नी है शिमला से सराहन के तरफ होगा। देखिए सुबह ये पूरी सब्जी मिल गया, जो टाइम बोला था टूर ऑर्गेनाइजर ने, हम लोग तो उस टाइम पे ही रेडी हो गए और अभी निकलेंगे सराहन के लिए। ये ट्रिप पे हम लोग गए थे टॉलीगंज कोलकाता का अभिमान ट्रैवल्स के साथ। आप भी अगर अभिमान ट्रैवल्स के साथ सफ़र करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम एनी टाइम एट देयर मोबाइल नंबर। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उन लोगों का नंबर दे दूंगा, वो लोग आप लोगों के लिए होटल, खाना पीना और गाड़ी सब कुछ प्री शेड्यूल करके रखेंगे। ये देखिए हम लोगों का दो गाड़ी रेडी हो रहा है शिमला से सराहन ट्रिप जाने के लिए। शिमला से सराहन जाते वक्त बीच में एक सुंदर सा जगह हम लोगों को मिल गया एक टी ब्रेक लेने के लिए, और नीचे देखिए कितना एप्पल ट्रीज है और उसके ऊपर सफ़ेद रंग का कुछ नेटिंग दिया हुआ है मोर एप्पल ग्रोथ के लिए। दोस्तों फाइनली हम लोग सराहन के होटल स्नो व्यू में पहुंच गए शाम को 7:30 बजे। चलिए होटल के अंदर देखते हैं
क्या क्या है। होटल में घुसते ही लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा होटल का रिसेप्शन लाउंज कम डाइनिंग हॉल। इस होटल का बस बाहर ही आपको मिल जाएंगे इसी होटल का बार कम रेस्टोरेंट, वहाँ पे आप अपना फेवरेट ड्रिंक्स बैठ के एंजॉय कर सकते हो। आज के लिए तो हम लोग थोड़ा जल्दी ही हम लोगों का डिनर ले लिए, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के हम लोग पहले विजिट करेंगे भीमाकाली टेम्पल, उसके बाद हम लोग ऑनवर्ड जर्नी शुरू करेंगे सांगला के लिए। डिनर में खाना का मेनू तो थोड़ा लिमिटेड ही था, लेकिन कोई लिमिटेशंस नहीं था, मतलब आप भरपेट खाना खा लो, कोई लिमिटेशंस नहीं है। हम लोग तो उस रात बहुत सारे चावल और चिकन खा लिए थे। मॉर्निंग दोस्तों, कल शाम को हम लोग आके पहुँचे थे साराहान के ये स्नो व्यू होमस्टे में, स्नो व्यू होटल में एक्चुअली। तो ये तो होमस्टे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब होटल सिस्टम है और इसके साथ बार भी है, और इसके बिल्कुल सामने ही साराहान का भीमाकाली काली मंदिर जो है वो है। और मेरा ये छोटा सा कोजी वाला रूम मैं आपको दिखाता हूँ अभी, कुछ ज़्यादा तो नहीं है, बस एक रात ठहरने के लिए ठीक है। देखिए मेरा रूम, यह है दरवाज़ा, यहाँ से एंट्री है, अंदर आके ही यह है मेरा बेड, 3 पर्सन सोने लायक है। यहाँ पे एक विंडो है, लेकिन बाहर का व्यू नहीं है, ये होटल के अंदर का ही व्यू आपको दिखेगा। ये एक वार्डरोब है जो मैंने यूज़ किया नहीं हूँ, और यह है वॉशरूम। वॉशरूम देखिए कितना बड़ा है, बहुत बड़ा वॉशरूम है। गीज़र भी है, गीज़र काम करती है। ये बेसिन, ये वेस्टर्न स्टाइल कॉमोड, और ये घर के अंदर एक छोटा सा टी टेबल। दोस्तों अभी हम लोग है हमारा होटल स्नो व्यू के ठीक बाहर, और ये देखिए सामने है भीमाकाली टेंपल। वो जो दूर दिख रहा है वो है भीमाकाली टेंपल, और ये है बिल्कुल सामने हम लोगों का स्नो व्यू होटल, और इसके साथ बार भी है पास में, देख सकते हो आप। वहाँ पे हम लोग कल रात थोड़ी देर के लिए गए थे। चलिए अभी आपको चल के दिखाते हैं भीमाकाली टेंपल में क्या है। यहाँ का हेरिटेज है ये भीमाकाली टेंपल, इसी के लिए सब लोग साराहान आते हैं। चलिए देखते हैं। Thank you.
ये देखिए दोस्तों, भीमाकाली टेम्पल के बिल्कुल बाहर आपको रहने के लिए और कैंटीन में खाने का जगह भी मिल जाएगा। कैंटीन में आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वेज खाना यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे शू उतर के अभी हम लोग धीरे धीरे जाएंगे टेम्पल के अंदर। दोस्तों तीन चार जगहों पे सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप लोग पहुँचोगे मेन टेम्पल के अंदर। अभी हम लोग जा रहे हैं मेन टेम्पल के तरफ। जी हम लोग अभी आके पहुँचे हैं बिल्कुल मेन टेम्पल के बाहर। यहाँ पे हम लोगों को कैमरा और एनी लेदर पर्स, बेल्ट ये सब रख के अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर कोई फोटोग्राफी नहीं करने वाला हूँ। यहाँ से बाहर का नज़ारा देखिए जी, वाओ कितना सुंदर स्नो कैप्ड माउंटेन्स यहाँ से नज़र आ रहा है। अब जो है मेन टेम्पल के बाहर का कुछ एरिया मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। यहाँ का मेन टेम्पल जो है और बाहर का ये सब स्कल्पचर्स जो है, इसमें आपको टिबेटियन टेस्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सब टिबेटियन स्टाइल में ही बनाया गया है। ये देखिए पुराने टाइम पे ये सब यूटेंसिल्स पे प्रसाद बनती थी। चलिए अभी बहुत फोटो वीडियो कर लिए, अभी हम लोग धीरे धीरे निकलेंगे साराहन से सांगला के तरफ। दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं साराहन से सांगला के तरफ, और रास्ता का दोनों तरफ आप देखोगे तो सिर्फ एप्पल ऑर्कार्ड आपको दिख रहे होंगे। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see
the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. दोस्तों सरायन से संगला जाते वक्त ये एक बहुत बढ़िया स्पॉट हमको मिल गया साइट सीइंग के लिए। देखिए वाटरफॉल भी है आपके सामने और पीछे का व्यू भी बहुत बढ़िया है। ये देखिए वाटरफॉल, मैं अभी धीरे धीरे वाटरफॉल के और नज़दीक जा रहा हूँ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। और मैं अभी धीरे धीरे जा रहा हूँ वाटरफॉल के और सामने। वो देखिए वो पहाड़ी के ऊपर से वाटरफॉल गिर रहा है और ये नीचे पानी का टैंकी में पानी भर रहा है ये लोग। वाओ मजा आ गया जी। ये देखिए कितना ऊपर से वाटरफॉल पूरा नीचे गिर रहा है। दोस्तों कल जब हम लोग सराहन जा रहे थे शिमला से तब बारिश हो रही थी, इसीलिए शायद ये वाटरफॉल इतना लाइव दिख रहा है हम लोगों को। देखिए ये वाटरफॉल का ऑपोजिट साइड का व्यू है, ये भी बहुत बढ़िया है। आइए ये नीचे से वाटरफॉल जा रहा है, वो जाके मिलेगा सतलुज रिवर से। ये है रोड जहाँ से हम लोग अभी आए सारान की तरफ से और ये है व्यू। वाह मज़ा आ गया, आज तो पूरा क्लियर डे है, बादल ज़्यादा नहीं है इसलिए बहुत ही सुंदर व्यू मिल रहा है हम लोग को इधर। दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं शेरा वाली माता का मंदिर में। देखिए बाहर का व्यू कितना सुंदर है, वो नीचे है रिवर बेड और ये है पूरा नज़ारा। यहाँ से पूरा जियोग्राफी अभी बदल रहा है, सारान से इधर आने के बाद जियोग्राफी तो पूरा बदल गया। अभी धीरे धीरे हम लोग जाएंगे शेरा वाली तरंडा माता का मंदिर में। ये है मंदिर, ये देखिए ये ऊपर जो एप्पल का गार्डन है वहाँ से ये वाला ट्रॉली से आता है एप्पल नीचे पूरा, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये जो ट्रॉली दिख रहा है इसमें एप्पल भर भर के आता है वो ऊपर से, वो ऊपर गांव से। दोस्तों और 15 से 20 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे सांगला वैली और उसके आगे एक बहुत ही सुंदर जगह देख के हम लोग अपना गाड़ी रोक लिया है। और ये देखिए व्यू, वेलकम टू।
ये देखिए नीचे का जिगजैग रोड ऊपर से कितना सुंदर नजर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया व्यू है। ये हमारा दूसरा गाड़ी आ रहा है सामने से। ये नीचे के और देखिए कितना नीचे है। यह है बसपा रिवर। ये आगे जाके मिलेगा सतलुज से और वहां से आगे नीचे जाएगा। दोस्तों दोपहर को 2:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे सांगला वैली में। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आएंगे सांगला वैली से कामरू फोर्ट का ट्रेक का वीडियो लेके। थैंक यू दोस्तों। मैं हूं तमल और आप देख रहे हो मेरा ट्रैवल चैनल एक्सप्लोर विद तमल। मैं बहुत जगहों पे घूम रहा हूं और उसका वीडियो मेरा इस ट्रैवल चैनल पे दे रहा हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर विद तमल और उसके ऊपर वाला बेल बटन दबाना ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूँगा उसका सीधा नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके पास। थैंक यू। थैंक्स फॉर योर टाइम।